हेलो एवरी, स्वागत है आपके पीएस गेम में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 गेम्स फॉर 8GB रैम। सो पर मैं उससे पहले बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मुझे सजेशन दिया था आदित्य पुंडीर ने, तो थैंक यू फॉर देम। और चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं फिर से पहले बता देता हूँ, रैंकिंग गेम प्ले के हिसाब से नहीं है। तो जिस हिसाब की गेम प्ले हो सकता है, मतलब कि मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है ऊपर नीचे करके, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा नंबर 5 पे आता है वो है मैक्स पेन 3। वैसे मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बना चुकी है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन तब भी मैं इसमें इसकी शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। हमारा करेक्टर है मैक्स पेन, जो कि NYPD में एक डिटेक्टिव है। उसकी फैमिली का मर्डर कर दिया जाता है ड्रग डीलर से के हाथों से। तो वही बस ये बदला लेने के चक्कर में ये इसका पूरा गेम है। लेकिन बदला के साथ इसमें बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों, आप इसका मैक्स पेन 3 ट्राई कर सकते हैं। रॉकस्टार स्टूडियो का गेम है, ग्राफिक काफी अच्छी है, स्टोरी उतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन आपको काफी मजा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारे नंबर 4 पे आते हैं वो अनचार्टेड की सीरीज 1, 2, 3। वैसे जो इसके दो पार्ट हैं 4 और 5, लेकिन मैंने सोचा कि वो शायद 8GB रैम से तो उससे ज़्यादा ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। तो 1, 2, 3 आप लोग ट्राई कर सकेंगे, आराम से चल सकते हैं। ये 6GB रैम तक तो आराम से चल जाएंगे। वह अनचार्टेड की हर एक स्टोरी इतनी तगड़ी इसलिए लगती है क्योंकि हर बार कोई ना कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस का कोई सामान उठा के इनका काम होता है कुछ करना, या फिर उनको बेचना, या फिर करना, या फिर खरीदना, या हिस्टोरिकल्स होते हैं। वैसे अनचार्टेड 5 जो लॉस किसी की स्टोरी है वो हमारे इंडिया पे बेस है, मतलब कि अब आप समझ ही गए होंगे। आप जाके उसका गेम प्ले चेकआउट वैसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारे नंबर 3 पे आता है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 1, 2, 3। इनमें से आप कोई से भी गेम ट्राई कर सकते हैं। 1, 2GB, 3GB रैम और थोड़ा अच्छा ग्राफिक कार्ड में भी चल सकता है। 2, 4GB रैम और 3, 6GB रैम तक चल सकता है। वैसे मैं इसके बड़े गेम और ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो कंफर्टेबल ना हो। तो आप 1, 2, 3 ट्राई कर सकते हैं। ये 3 का गेम प्ले है, काफ़ी शानदार गेम प्ले है। आप लोग बेसिकली आप जानती हैं कॉल ऑफ ड्यूटी का मेन मोटिव क्या होता है। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर में हमें आतंकवादी टेररिस्ट को यहाँ पर सफाया करना पड़ता है। कभी कभी हमें और भी कोई टास्क दिए जाते हैं। मल्टीप्लेयर सिंगल प्लेयर दोनों अच्छा गेम है काफ़ी। इसमें मोबाइल वर्जन भी आएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं वैसे। और हम बढ़ते हैं अपने अगले गेम की तरफ। तो जो हमारे नंबर 2 पे आता है वो है फार क्राई 3। तो वैसे तो मैंने फार क्राई 2 को एक और अपनी वीडियो में मेंशन कर चुका है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फार क्राई 3 थोड़ा अच्छा है, 6GB रैम वाला कंप्यूटर में भी आराम से चल जाएगा। थोड़ा ज़्यादा ग्राफिक कार्ड मांगता है, बस यही इसकी प्रॉब्लम है, वरना तो गेम काफ़ी तगड़ा है। आप लोग इसका गेम प्ले देख ही सकते होंगे, ग्राफिक एकदम तगड़ी है। आपको सब कुछ इसमें आप कर सकते हैं, लगभग बहुत कम चीज़ें जो आप नहीं कर सकते हैं। आप ट्राई करिएगा, बहुत तगड़ा है। ज़्यादातर सर्वाइवल टाइप गेम है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप सर्वाइवल प्लेयर हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नंबर 1 पे आता है वो है जस्ट कॉज 3। मैंने वैसे जस्ट कॉज 1 ट्राई किया, काफ़ी तगड़ा गेम है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हम एक आइलैंड में गए होते हैं जहाँ पे हमें पूरा आइलैंड में कब्जा करना होता है। इसकी खास बात ये होती है कि जो इसका पैराशूट खोलने की स्टाइल भाई साहब तगड़ी होती है। वैसे जस्ट कॉज 2 बहुत तगड़ा गेम है, लेकिन जस्ट कॉज 3 नहीं यार, ये गेम एकदम गजब है, गजब। आप देख के मान जाओगे कि इसमें यार एक्शन एकदम भरमार है एक्शन की। आप लोग गेम प्ले जैसा देख ही सकते हो कि भाई बड़ी मेहनत लगी है ट्रेलर बनाने में। वैसे आप लोग जाके इसका थोड़ा गेम प्ले इन्जॉय करिए, थोड़ा देर में मैं आपसे मिलता हूं। From the brutal dictatorship of General D. Ravello, D. Ravello's armies and military bases by any means possible. Rico's tools of the trade include an updated grapple hook, which can be used anywhere.
चलो यार बस इस वीडियो में इतना ही, या मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वैसे उससे पहले आप कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने आज डेफिनेटली का टॉपिक पूरा किया ना, वैसे मैं इसके ऊपर और गेम ला सकता हूँ अगर वो वापस कमेंट करें तो। वैसे तो मैं इसमें प्रॉब्लम मेरी क्या है कि मैं बस उसके कमेंट का रिप्लाई उसी को दे सकता हूँ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो यार पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना फिर कमेंट करना, तो मैं उसका रिप्लाई दे पाऊंगा, ना तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ यार। एक ने कमेंट किया है तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों यार ये थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा आपको किसके ऊपर चाहिए, जिसके ऊपर भी बोलिएगा। अगर मैं उसके ऊपर बना सकता हूँ तो मैं आप बनाऊंगा, अगर नहीं बना सकता हूँ तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।